दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे, इसका साइज है 10x20। 10x20 हाउस प्लान की बात करें, 10x20 होम डिजाइन की बात करें, इसी को हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल और बहुत ही कम जगह में, आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 200 स्क्वायर फुट में ये मकान क्रिएट किया गया है। और आपको सारी फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, आपको लेटरिन भी मिलेगी, बाथरूम भी मिलेगा, और आपको यहाँ पर स्टेयर्स भी मिलेंगी, और यहाँ पर रूम भी डिजाइन मिलेगा। तो आप बने ही वीडियो में लगातार मैं फुल डिटेल के साथ बात करूंगा। ये आपको पूरा मॉडल दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन से डिजाइन भी दिया है। और ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे, शायद उन्होंने 9x20 का बोला था कि 9x20 का हाउस डिजाइन चाहिए, तो बट मैंने 10x20 का हाउस डिजाइन किया था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पर 9x20 का घर पड़ा हुआ है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो फुल डिटेल के साथ बात करें इस वीडियो में, बने हैं लगातार। मैं हूं पवन छागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप लगातार देख सकें। क्योंकि यहां पर आपको हर टाइप का नक्शा मिल जाएगा, घर का नक्शा, आप जिसको भी देखना चाहें बिल्कुल बेहतरीन सा हर एक घर का नक्शा आपको मिलेगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलो हम पूरा प्लान डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हमेशा के तरीके से मैं इसको, अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट से मकान आपको ऐसा दिखेगा, घर टॉप से ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा, साइड से आप ऐसा देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा लुक है। अब हम इसको हर हमेशा की तरह से ट्रांसपेरेंट करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं हर बार आपको कोई भी मॉडल हो मैं उसे ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूं। देखिए मॉडल ट्रांसपेरेंट हो चुका है और आपको सारी दीवारें हाइड हो गई हैं, आपको पूरा मकान ऊपर से नीचे तक ट्रांसपेरेंसी में और भी बेहतरीन सा खूबसूरत सा दिख रहा होगा। तो ये पूरा मॉडल है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो इसको पुनः हम फिर से अपने इसके ओरिजिनल पोजीशन पर ला लेते हैं, मतलब कि आप देखिए जैसे ओरिजिनल पोजीशन पर लाते, थोड़ा जूम कर लूँ मैं, अब डिस्प्ले डिफाइन करूंगा। तो ये इसका दोस्तों फ्रंट लुक है स्टार्टिंग, मतलब सामने से यहाँ पर आपके गेट मिलता है, गेट के ऊपर एक रोशनदान मिलता है और ये आपका एक रोशनदान मिलता है, ओके। और इस वाले, हाँ ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर में आपको थोड़ा सा बालकनी भी यहाँ मिल जाता है छोटा सा, और गेट भी मिल जाता है, और ये डिजाइनिंग का पार्ट है। तो चलो इसके ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले हम चलते हैं। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पर चलेंगे तो फ्रंट से आपको देखिए ग्राउंड फ्लोर ऐसा दिखेगा, ये मेन डोर है। आप जैसे यहां से एंट्री करेंगे तो आपको सबसे पहले यहां पर मिल जाती स्टेयर्स। देखिए यहां पर आपको मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपकी जगह तो बहुत ही कम है, आपको पता है 10x20 घर बहुत ही कम होता है, 10x20 के रूम होते हैं, तो यहां पर सारी चीजें बनाना भी इम्पॉसिबल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैंने डिजाइन किया, देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने एक आपको बेडरूम दे दिया है पीछे 10x10 का अप्रॉक्स, ठीक है। और इसका ओरिजिनल पोजीशन अगर जानना है तो हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी रूम में आपको किचन सेटअप करना पड़ेगा ओपन कहीं ना कहीं, क्योंकि जगह लिमिटेड है आपके पास। और यहां पर आपको देखो स्टेयर्स मैंने ये दी हैं, अगर आपके हो सके तो स्टेयर्स आप राउंडेड कर लीजिएगा, राउंड वाला जो स्टेयर्स आता है वो आपका जगह बहुत ही कम घेरेगा और आपके लिए प्रॉपर तरीके से यहां पर बाथरूम और लेटरिन का जुगाड़ हो जाएगा। अन्यथा मैंने डिजाइन तो किया है लेटरिन एंड बाथरूम कंबाइंड किया, लेकिन जगह बहुत ही कम है, उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ही कम बनती है दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से डिजाइन होने की, क्योंकि आपको स्टेयर्स बनाएंगे तो उसमें भी वो जगह लेता है। तो अगर हो सके तो आप राउंडेड वाला स्टेयर्स लाएं और एक कॉर्नर पर कहीं भी लगा दें, तो आपका लेटरिन बाथरूम कंबाइंड आप बेहतरीन सा बना पाएंगे। और आपका किचन की बात करें तो यहाँ पर, और आपका यहाँ पर आपकी बाइक वाइक पार्क हो सकती है। तो ये पूरा मॉडल, और इस फ्रंट इस वाले रूम पर मैंने एक राउंडेड विंडो दे दिया है वेंटिलेशन के लिए, और गेट के ऊपर राउंडेड विंडो आपको पहले से ही दिया है। तो ये पूरा मॉडल हो गया ग्राउंड फ्लोर का जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे फर्स्ट फ्लोर देखिए लुक इसका ऐसा है, आप स्टेयर्स के माध्यम से यहाँ पर आएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम रूम है, यहाँ पर मैंने किचन हटा दिया है, सेम डिजाइन है, वही बाथरूम, वही लेटरिन, और क्योंकि जगह बिल्कुल लिमिटेड है, आपको पता है 10x20 बहुत ही कम जगह होती है, बस स्टार्टिंग से मैंने फ्रंट से लुक इसका चेंज कर दिया है और ये आपको 1.5 से 2 फीट का बालकनी अप्रॉक्स मिल जाता है एक छोटा सा। अब लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर आप देखिएगा यहाँ पर सिर्फ जो स्टेयर्स ऊपर आई हैं मैंने उसको ढक दिया है और आपको डिजाइनिंग भी बना दिया है और इसको ढक दिया और ये गेट दे दिया है, आप यहाँ पर अपने आ सकते हैं। ये बेहतरीन सा लुक आपको देखने को मिल जाएगा इस मॉडल का। तो ये मॉडल कैसा लगा 10x20 मुझे कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं आपको दिखा दूँ 2D व्यू, तो चलिए मैं 2D व्यू आपको भी इसका दिखा देता हूं। तो जैसे देखिएगा
जो मैंने बाहर वाला रूम की बात किया था लास्ट वाला, तो 9.5 × 9.7 इसका एरिया है अंदर अंदर का, और ये 9.8 × 9.5 का ये वाला एरिया जिसमें आपका स्टेयर सारी है। ये 2D प्लान है इसका, और इसका ऊपर वाले फ्लोर की बात करें तो वो भी देखिए सेम है 2D प्लान, बस ये आपका बालकनी बढ़ जाता है। तो ये 2D प्लान और 3D प्लान आपको मैंने लाइव करके ही दिखा दिया ये जो कि है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, वहां पर आपको सब कुछ लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिल जाता है। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं सारी चीजें तो मुझे कमेंट करके बताएं, या आपका कोई स्पेसिफिक मॉडल है बनवाना चाहता मुझे कमेंट करें, मैं आपका स्पेसिफिक मॉडल जरूर डिजाइन करूंगा। प्लीज वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक्स फॉर